एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां टमाटर से लदी गाड़ी ट्रक हाईजैक हो गई। जहां टमाटर से लदा ट्रक ले भागे तीन व्यक्ति, 2.5 टन टमाटर वो ट्रक में लदा हुआ था। और बेंगलुरु में टमाटर से लदी गाड़ी के हाईजैक होने की खबर सामने आ रही है। किसान को 2.5 लाख का चूना लगा है। फिलहाल टमाटर की कीमतों में आग लगी हुई है। बेंगलुरु के चिक्का जोला में तीन व्यक्ति टमाटर से लदा ट्रक लेकर फरार हो गए। पुलिस ने ये जानकारी दी है। कर्नाटक में विभिन्न स्थानों पर टमाटर की कीमतें 100 रुपए प्रति किलोग्राम से ऊपर है। आरोपी जिस ट्रक को लेकर भागे उसमें लगभग 2.5 टन टमाटर थे, जिनकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए है। पुलिस ने मामला का दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चित्रदुर्ग जिले के हरियूर का रहने वाला किसान मल्लेश शनिवार को ट्रक में टमाटर लादकर कोलाब जा रहा था। अचानक ट्रक की टक्कर एक कार से हो गई और कार का शीशा टूट गया, जिसमें आरोपी सवार थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने किसान एवं ट्रक चालक को अपशब्द कहे और नुकसान के एवज में बड़ी रकम की मांग की। दोनों के पास पैसे नहीं थे। वे आरोपियों से मध्यस्थता करने की कोशिश करने लगे और जबरदस्ती अपने नियंत्रण में उन्होंने ट्रक को ले लिया। ट्रक को लेकर फरार हो गए।